दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जब OBS स्टूडियो इंस्टॉल करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और जब आप OBS स्टूडियो को ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में और वहां पे आप स्कीन्स और सोर्सेस भी बना लेते हो जैसे कि डिस्प्ले कैप्चर के लिए, और फिर जब आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग ना होकर के सिर्फ वहां पे ब्लैक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसा कि दोस्तों रिकॉर्डिंग जो हो रहा था वो ब्लैक स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हो रहा था। और ऐसा ब्लैक स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों हो रहा है OBS में और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में दो तरह के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, एक ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इनबिल्ड होता है और जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड होता है वो एड ऑन या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है। दोस्तों जैसे आप नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीद करके लाते हो तो यहाँ पे जो बिल्ट इन ग्राफिक्स होता है वो नॉर्मल यूज के लिए होता है, और अगर आप हैवी यूज करते हो लाइक वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया जीफोर्स का जैसे हो सकता है या फिर अदर ब्रांड का भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे OBS के केस में अगर आपके कंप्यूटर में दो दो ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे OBS में प्रॉपर ग्राफिक सेटिंग्स नहीं होने की वजह से आपको ये ब्लैक स्क्रीन वाला इशू आ सकता है। तो इसे आपको फिक्स करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो टास्क बार होता है यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन रहता है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्राफिक्स सेटिंग्स, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में आपको ग्राफिक सेटिंग्स का एक ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर में OBS स्टूडियो जहाँ कहीं भी इंस्टॉल करके रखा होगा तो वहाँ पे आपको वो फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में OBS स्टूडियो को सी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखा हूँ, सी ड्राइव पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स पे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको OBS स्टूडियो फाइंड करना है। यहाँ पे जैसा कि आपको OBS स्टूडियो पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का विंडोज इंस्टॉल है तो यहाँ पे मैं बिन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट का विंडोज इंस्टॉल है तो आपको 32 बिट पे ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का विंडोज इंस्टॉल है तो 64 बिट पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि दोस्तों यहाँ पे OBS64.exe इसको आपको सेलेक्ट करना है और इस सेटअप को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ आपके कंप्यूटर में अगर दो ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पावर सेविंग पे क्लिक करना है। और अगर दोस्तों यहाँ पे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग का बात रहता तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करना रहता। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको OBS स्टूडियो फिर से ओपन कर लेना है। अगर आपका OBS स्टूडियो पहले से ओपन है तो यहाँ पे आपको क्लोज करके फिर से आपको OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड डिस्प्ले है वो रिकॉर्डिंग होने लगा है, तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में OBS स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर ब्लैक स्क्रीन आता है तो इसे फिक्स कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि OBS स्टूडियो में ब्लैक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैसे फिक्स करते हैं। और अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।